सहारनपुर की थाना चिलकाना पुलिस व देहात कोतवाली पुलिस ने शातिर चार वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिनके पास से पुलिस ने दर्जनों मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। पुलिस लाइन सभागार में SSP डॉक्टर एस चनप्पा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना चिलकाना पुलिस ने दो शातिर वाहन चोर सलमान पुत्र अनवर, बाबर पुत्र अनवर को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर 10 चोरी की मोटरसाइकिल व एक नाजायज चाकू भी बरामद हुआ है। इसके साथ ही थाना देहात कोतवाली पुलिस ने भी दो शातिर वाहन चोर शाह आलम उर्फ सालम पुत्र इस्लाम, दिलशाद पुत्र मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। थाना चिलकाना पुलिस थाना पुलिस कोतवाली देहात और SOG टीम द्वारा संयुक्त रूप से 4 वाहन चोरों का गैंगों को पकड़ा है और इनके पास से कुल 19 मोटरसाइकिल बरामद हुई है और ये अलग अलग जगह से अलग अलग समय पे इन्होंने चोरी किया था और जो चोरी का मुकदमा भी पंजीकृत है और अन्य जो मोटरसाइकिल है उनका भी हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ से चोरी किया है और कहाँ मुकदमा पंजीकृत है और फिलहाल इन लोगों को गहराई पूछताछ के बाद माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और संपत्ति कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी। बाइक चोरी करने वाले सहारनपुर के PWD गेस्ट हाउस में मंगलवार को अपना दल की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी अजीत सिंह भैंसला का पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया। बैठक है, बहन अनुप्रिया पटेल जी ने उत्तर प्रदेश को संगठन की मजबूती से 4 भागों में बांटा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं प्रभारी हूँ, पार्टी का सचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरे दो साथी अवनीश गौतम जी वो सह प्रभारी हैं, दूसरे मेरे साथी नदीम असरफ जी वो भी सह प्रभारी हैं। आज जो हम जनपद सहारनपुर में आए हैं वो पार्टी की समीक्षा बैठक के लिए आए हैं। हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी का निर्देश है कि हर जनपद में जाना है और संगठन को मजबूत करना है। संगठन में जहाँ भी कहीं थोड़ी बहुत कमी है वहाँ हम जो है अपने जिलाध्यक्ष जो हैं उनसे बात करके उनको चुस्त दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं और 2022 का जो आने वाला चुनाव है उसमें हमारी जो है हर विधानसभा पे जो है पूरी नज़र है और हम पूरी मजबूती के साथ BJP के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। क्या उद्देश्य लेकर सहारनपुर में मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मुजफ्फर अली के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुँचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जनपद प्रतापगढ़ के संगीपुर में गरीब कल्याण मेले में सम्मिलित होने गई उत्तर प्रदेश विधानमंडल की नेता स्थानीय विधायक आराधना मिश्रा एवं पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी एवं उनके समर्थकों के ऊपर प्रशासन व सरकार द्वारा मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिनको कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडाराज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी और आराधना मिश्रा जी पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है उसके विरोध में है। योगी सरकार बौखला गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और ज़बरदस्ती, चूंकि कांग्रेस प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रही है, उन्होंने जानबूझकर उनके खिलाफ मुकदमा कराने का काम किया है जो बिल्कुल झूठा है। कांग्रेस जब तक ये मुकदमे वापस नहीं होगी लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करेगी, अगर इसके बाद और जरूरत हुई तो जैसा हाईकमान का आदेश होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। मंगलवार को सहारनपुर के JV जैन कॉलेज रोड स्थित बाल कल्याण समिति के कार्यालय पर चाइल्ड लाइन सहारनपुर द्वारा हितधारकों की एक कार्यशाला का आयोजन महिला कल्याण विभाग के उप निदेशक पुष्पेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह व चाइल्ड लाइन के निदेशक मंसूर हुसैन द्वारा कार्यशाला को संबोधित किया गया। हाँ, ये चाइल्ड लाइन का जो आज अभियान चलाया जा रहा है इसमें मुख्यतः जितने भी फंक्शनरी हैं चाइल्ड रिलेटेड इशूज़ पे काम करने वाले, जिसमें कि बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, चाइल्ड लाइन, इन सब के मध्य एक जागरूकता का कार्यक्रम रखा गया है और किस तरीके से आपस में समन्वय से हम बच्चों के मामलों को
सुलझा सकते हैं और त्वरित गति से न्याय दिला सकते हैं उन बच्चों को, उनके मामलों में कितनी तेज़ी से हम लोग जो है आगे बढ़ करके उनको मदद दिला सकते हैं, इस संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित आज यहाँ किया गया है। सबके सारे स्टेक होल्डर्स को हम जो लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और इसमें मुख्यतः जो कोविड 19 के कारण रहा पिछले साल और इस साल जो वेव आई उसके दौरान जो भी चाइल्डलाइन के द्वारा प्रयास किए गए, जो बच्चों से मिल करके बच्चों के परिवारों को आइडेंटिफाई करने के उपरांत या बच्चों ने जो फ़ोन किए या उनके परिवार वालों ने जो फ़ोन किए उसके माध्यम से जो उनकी आवश्यकताएं थी उनको दृष्टिगत रखते हुए चाइल्डलाइन ने पिछले 4-5 महीनों सहारनपुर के 62 फुटा रोड स्थित एक सभागार में मंगलवार को उद्योग व्यापार उत्थान व्यापार मंडल की एक बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान के नेतृत्व में किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जावेद खान ने जाहिद राजू को उनकी लगन में व्यापार मंडल के प्रति निष्ठा को देखते हुए उन्हें सचिव मनोनीत किया, जिसके बाद उनका कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उनको नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान बैठक में आए हुए सभी व्यापारियों का जिला अध्यक्ष अजीम मलिक ने आभार व्यक्त किया। आज एक सदस्यता ग्रहण समारोह हमारे जाहिद राजू, उनको हमने प्रदेश सचिव नियुक्त किया है। व्यापार मंडल को मजबूती के लिए, इसको ताकत देने के लिए लोगों को जोड़ेंगे और आज जो व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। हमारे राय वाले के व्यापारियों के साथ पुलिस बदतमीजी करती है, गाड़ियों के चालान कर देती है और हर तरह से उत्पीड़न किया जा रहा। और एक जो हमारा जनपद नशे में जकड़ा जा रहा है उसके खिलाफ हम एक मजबूती के साथ आंदोलन छेड़ेंगे। इसको हम पंजाब बनने नहीं देंगे। नशे ने हमारी नौजवान नस्ल को जकड़ लिया है और घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इसके खिलाफ व्यापार मंडल आंदोलन करेंगे। और व्यापार सहारनपुर के हकीकत नगर में मंगलवार को राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता चौधरी नीरपाल सिंह के कैंप कार्यालय पर लोकदल की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि 4 सालों में किसानों की भलाई को देखते हुए प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य में सिर्फ 25 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो कि किसानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक करने का काम किया गया है। आज जो हमने मीटिंग बुलाई है इसका मात्र उद्देश्य ये है कि सरकार किसी तरह तो आंखें खोले। इन्होंने परसों 25 रुपये 5 साल में, 4.5 साल में 25 रुपये दाम बढ़ाया है गन्ने का। अब आप मुझे बताएं कि 5 साल में 25 ये ऊँट के मुंह में जीरा है। इन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हम अपने संकल्प पत्र में कि 450 रुपये कुंटल किसानों को गन्ने का भाव देंगे और 25 रुपये बढ़ाकर किसानों का मजाक उड़ाया, किसानों के साथ छलावा किया, धोखा किया है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। आज सरकार अपनी तरफ झांके किस तरह महंगाई कर दी है, किस तरीके से कमर तोड़ दी आम आदमी की, क्या हाल इन्होंने मचाया हुआ है और उसी का परिणाम होगा 2002 में, क्योंकि 4 महीने चुनाव में रह गए। इनका सूपड़ा ऐसे साफ हो जाएगा, भाजपा का इस तरीके से साफ हो जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग, पता भी नहीं लगेगा इनका। अपने इन्हीं कारनामों के कारण ये चले जाएंगे। अभी समाजवादी व्यापार सभा द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे मंडलीय सम्मेलन की कड़ी में मंगलवार को आखिरी मंडलीय सम्मेलन का आयोजन सहारनपुर के देहरादून रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में सरदार H.S. चड्ढा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष व नगर विधायक संजय गर्ग व वरिष्ठ व्यापारी सुधीर जैन द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन पवन गोयल द्वारा किया गया। इस दौरान व्यापार सभा के जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह वर्मा, पार्षद टिंकू अरोड़ा व जिला प्रभारी नथु यादव द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। देखिए, व्यापारी पूरे प्रदेश में बहुत हताशा और निराशा की स्थिति में है। उनका कारोबार कम हुआ है, बहुत से 1.5 करोड़ खाते NPA की पोजीशन में पहुंचने वाले हैं। लोग अपनी किस्तें नहीं जमा करा पा रहे हैं, उनकी आमदनी कम हुई है और खर्च बढ़ा है। इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए व्यापारी बहुत डरा हुआ और सहमा हुआ है, वो परिवर्तन चाहता है। और समाजवादी व्यापार सभा के सांगठनिक समीक्षा बैठक में इसीलिए अपने संगठन को बाजार स्तर तक ले जाकर हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि व्यापारी का हम संबल बन सकें और लोकतंत्र में वो अपने अधिकारों को पहचानते हुए उनके बहकावे में ना आकर इस परिवर्तन पर अपनी मोहर लगाने का काम करें। सरकार व्यापारी को